नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HP अमित एजुकेशन में। एजुकेशन फील्ड की हर बड़ी अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलती है, तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही JBT वर्सेज BED का केस चला हुआ है। जिसमें हम JBT केस की बात करें तो माननीय हाई कोर्ट से जो है वो फाइनल जजमेंट आ गई है। इसमें इस केस को जो है डिसमिस कर दिया गया है। इसमें बोला गया है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट जो JBD टैट यहाँ पर होगा। तो अभी तक जो JBD टैट है उसके ऊपर स्टे लगी हुई है और ये स्टे जो है वो उसमें कंटिन्यू रहेगी और ये जो केस है इसको डिसमिस कर दिया गया है। मीन्स कि जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की, तब तक जो JBD टैट के स्टूडेंट्स हैं वो टैट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि टैट में जो BED के कैंडिडेट हैं उन्होंने भी फॉर्म फिल यहाँ पर किया हुआ है। तो फर्दर अगर टैट होता है तो वो सभी जो भर्ती उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक यहाँ पर जो है वो टैट कंडक्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम TCET बैच वाइज भर्ती की बात करें तो उसमें 57 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें 12 कैंडिडेट जो एक्स सर्विस मैन हैं उनके कोटे के भी हैं। इसमें काफ़ी एज्ड जो कैंडिडेट उनको यहाँ पर जॉब मिली है, विद इन 15 डेज के अंतर्गत उनको जो यहाँ पर ज्वाइनिंग देने पड़ेगी। और ये जो अपडेट है ये 3-4 दिन पहले ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर आ चुकी है। अगर आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जिन्होंने जो ये अपडेट नहीं देखी है तो आप एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ, आपको वहाँ पर सारी ही ये जो अपडेट मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर उनको लगभग 60% 22,860 रुपये ये बनते हैं वो जो उनको यहाँ पर वेतन मिलेगा। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको इसी चैनल के ऊपर फर्दर भी देखने को मिलेगी, तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।